दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के जो आप एक कोठी नुमा देख रहे होंगे एक बेहतरीन सा मॉडल बेहतरीन सा डिज़ाइन पूरा मिलने वाला है लगभग आपको ये चौबीस बाई छत्तीस फिट में ओवरऑल मॉडल की बात करें इसमें ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर मैंने क्रिएट किया है और इस मॉडल की खास बात यह है कि पूरा मैंने वाइट कलर का ही डिज़ाइन किया है विंडो से लेकर डोर से लेकर सर रेलिंग मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है शायद साइड में जो मैंने ये भी ब्लैक कलर इस्तेमाल किया है और कुछ पेड़ और ग्रीन हाँ, अगर हम बात करें ग्रीन एरिया घास वगैरह लगा दी है तो ये पूरा मॉडल चौबीस बाई छत्तीस फिट में बनकर रेडी है एक ट्रेडिशनल और बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसमें फिनिशिंग को ज़्यादा महत्व तो दिया गया है फिनिशिंग के कारण ये मकान और भी बेहतरीन लग रहा है तो ये आप शहर में या गांव में जहां पर भी बनवाना चाहें बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है पूरा मॉडल डिस्कस करेंगे बने इस लगातार मैं उपन झाकड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान अगर दोस्तों आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ सच वैलाय जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार नए नए वीडियो नए नए अपडेटेड वीडियो मॉडल्स मिलते रहते हैं जो आप देखकर बनवा सकते हैं तो जो आज का प्लान है चौबीस बाई छीस फैट में उससे डिस्कस करते हैं मैं से पहले आपको जूम करके और दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू वगैरह दिखे वाइट कलर की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर और कट मैंने यहाँ पर डिजाइन की हैं तो अब पूरा मॉडल अब मैं बता दूँ इधर से देखिए थ्री साइड क्लोज ही समझिएगा थ्री साइड से ओपन है ये सिर्फ पीछे से ये क्लोज है बाद बाकी आपका इधर भी मैंने देखो आपकी जगह है इसलिए विंडो दे रखी है साइड में और फ्रंट का एलिवेशन तो बात ही अलग है फ्रंट के एलिवेशन का पूरा प्रॉपर तरीके से एक पोर्च टाइप का बारंदा टाइप का बना है और साइड से भी आपको ओपन है तो ये पूरा मॉडल हम बता रहे हैं चौबीस सौ बाई छत्तीस में बनाए अब हम अगर ग्राउंड फ्लोर पर आपको ले चलें ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर है आप देख पा रहे होंगे पूरा ग्राउंड फ्लोर फ्रंट एलिवेशन की बात करें चार प्लर इसके बाद ये राउंड कलर का बीम और ये आपका पोर्स है इसका यही मेन डोर है यहाँ से ये मेन डोर आप देख पा रहे होंगे ये मेन डोर ऊपर आपका विंडो लगा है मेन डोर से जैसे आप इस्टेज से बात चढ़ कर ऊपर जाते हैं तो मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ऑफ़ आप ऑल आपको एक लिविंग रूम मिल जाता है ये देखिएगा इस रूम में आप सोफा वगैरह अपने गेस्ट को यहाँ पर ठहरा सकते हैं इसके बाद ये डोर है अंदर जाने के लिए तो इस लिविंग रूम को होते हुए इस डोर से अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाता है एक लिविंग हॉल टाइप का जिसे आंगन बोल सकते हैं इस लिविंग हॉल से पूरी कनेक्टिविटी आपकी है सबसे पहले अगर हम बात करें ये फ्रंट में जो फ्रंट में था ये किचन है आपका लिविंग हॉल से अंदर आएगी ये आप डोर देख रहे होंगे ये किचन है इसमें एक डोर इधर से एक डोर सॉरी विंडो इधर से फ्रंट से एक साइड से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका किचन का होने वाला है लिविंग एरिया ये तो किचन एरिया हो गया अब इसके बाद बात करिए इस कॉर्नर पर एक बेडरूम है बड़ा सा बेडरूम है इस बेडरूम को एंट्री करने के लिए ये वाला डोर मैंने दिया है इस कॉर्नर पर और साइड से विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए जो साइड में जगह मैंने छोड़ी थी इसी वाले अगर हम बात करें डोर्स सॉरी रूम से ये इसका एक मैंने और एरिया निकाला है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अटैचड लेट एंड बाथ या तो एज अ ड्रेसिंग रूम आप जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं मैंने एरिया डिफाइन कर दिया है ये वाला एरिया एज अ ड्रेसिंग रूम या आपका लेट एंड बाथ कम्बाइंड यूज कर सकते हैं ये एक और लेट एंड बाथ है जो कि सेपरेट है सभी घर के लिए इस्तेमाल करने के लिए पूरा कॉर्नर पर और ये आपकी स्टेज से यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर वापस आप पीछे की तरफ वापस चले जाएंगे तो ये तो होगा अगर इसकी बात करें ये आपका एक पूजा घर है तो इस घर में अगर हम बात करें दो बेडरूम मिलते हैं एक बड़ा सा किचन मिलता है जो कि एक बिल्कुल बेडरूम के नुमा है आप इसे बेडरूम भी बना सकते हैं अगर ये पूजा घर हटा दिया जाए या वॉल इधर से जोड़ दिया जाए तो दो बेडरूम आपके और हो जाए मतलब एक एक्स्ट्रा बेडरूम हो जाएगा किचन आप इधर क्रिएट कर ले तो लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत ही प्रॉपर तरीके से घर डिजाइन किया है तो आपका एक ये बेडरूम हो गया एक ये बेडरूम हो गया ये किचन हो गया ये पूजा घर ये ड्रेसिंग रूम और ये आपका लेटिन बाद ये स्टेयर्स और ये आंगन और आगे वाला पोर्च तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर को मैंने डिफाइन किया है मैं आपको इसे और जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आप इसका पूरा रियलिस्टिक व्यू प्रॉपर तरीके से देख पाए कहाँ पर क्या बना है जो पलर का डिजाइन है वो भी बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का मैंने डिजाइन किया है बेहतरीन टाइप का डिज़ाइन किया है तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हो जैसे भी स्टेट्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो आप आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर ये देखिएगा इस्टेट के माध्यम से ऊपर आए फर्स्ट फ्लोर पर और सिमिलर वही आपका ये लेटर बाथ ये ड्रेसिंग रूम ये बेडरूम और यहाँ से पूजा घर मैंने हटा दिया है और फ्रंट वाला बेडरूम और किचन भी हटा दिया है किचन की जगह ये एक बार सॉरी यहाँ पर लिविंग एरिया छोड़ दिया है यहाँ पर देखिएगा ये आप इस, इसके गेट से डर तो यहाँ पर मैंने रेलिंग लगा दी है और ये आगे जो यहाँ पर आपका पोर्च था उसको भी मैंने ग्रिल लगाकर बेहतरीन से एरिया बना दिया इसमें आप ऊपर आराम से टहल सकें कुछ भी कर सकते हैं यहाँ भी स्पेस छोड़ दिया है और ये किचन वाला भी स्पेस छोड़ दिया है तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ये आपका मैप बनकर रेडी होता है ग्रिल की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल सी आपकी ग्रिल यूज की है मैंने यहाँ पर आप कोई भी ग्रिल यूज कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्रिल चाहते हैं साइड में ये विंडो है ये किचन वाला एरिया हट हाँ ही गया तो मैंने यहाँ पर एक विंडो दे दिया प्रॉपर और वेंटिलेशन यहाँ पर होने लगेगा मैंने सारी चीज़ें वाइट की हैं क्योंकि वाइट में ही ये घर और ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा था तो ये हो गया अब अगर हम बात करें इसके लास्ट फ्लोर की तो ये इसका लास्ट फ्लोर है मैंने छत सभी पर बना दी है ये थोड़ा डिजाइनिंग से बनाया ये देखिएगा जो आप देख रहे हैं स्ट्रिप टाइप्स के ये डिजाइनिंग के और पर चीज़ें क्रिएट किए जाते हैं ये पूरा छत हो गया तो अगर हम बात करें चौबीस बाई छत्तीस पेड़ में ट्रेडिशनल मॉडल बेहतरीन सौ मॉडल आपको कोठी टाइप का बनकर रेडी हो जाता गांव या शहर जहाँ पर भी बने हुआ तो बहुत ही बेहतरीन लग हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होगा क्योंकि इसमें जो पिलर बने हुए हैं वगैरह इससे सब इसमें टाइम लगता है टाइम टेकिंग है और कॉस्टली भी होता है ये मॉडल कैसा लगा जरूर बताए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछे वीडियो का लाइक किया करें अच्छा लगा करें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो और नए नए हम आपको ले पाते हैं